हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम क्विज डिस्कशन का तीसरा वीडियो स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम दो वीडियो अपलोड कर दिए हैं, यदि आप नहीं देखे हैं तो दोनों वीडियो को देखिए। आज हम तीसरा वीडियो स्टार्ट करेंगे जिसमें हम ल्यूसेंट, उसके बाद यूटेरिया 5000 प्लस बुक चलाएंगे और करेंट के लिए स्पीडी बुक चलाएंगे। तो इसका जो होमवर्क दिया जाता है आरएसएस टीचिंग सेंटर टेलीग्राम पर दिया जाता है, यदि आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो उसमें ज्वाइन होके आप इसका होमवर्क कर लीजिए। तो आज देर ना करते हुए आज स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश बोलिएगा खिलजी वंश का जो शासन काल था कब से कब था? 1290 से 1320। 1290 से 1320। उसके बाद बोलना है, बोलिएगा कि खिलजी वंश के स्थापना किसने किया था? जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? किलोखरी बनाया था, बिल्कुल सही। आपको ये बोलना है कि जलाउद्दीन की हत्या अलाउद्दीन खिलजी किया था, कब किया था? 1296। और जब इसका हम क्वेश्चन पूछ लेंगे उसके बाद हम डिस्कशन यानी कि पूरा कर देंगे, ठीक है। तो बोलना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में किसका हत्या किया था? जलाउद्दीन फिरोज खिलजी को। और जलाउद्दीन फिरोज खिलजी यानी कि अलाउद्दीन के चाचा कहिए या तो फिर ससुर कहिए, ठीक है। तो बोलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने यानी कि बोलना है सुल्तान बना, कहाँ के सुल्तान बना? तो दिल्ली का सुल्तान बना था। कहाँ के? दिल्ली के। उसके बाद बोलना है कि अलाउद्दीन का बचपन के नाम क्या था? अलिया और गुरसाब था, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। उसके बाद बोलना है कि नगद वेतन एवं मसाई सेना किसने रखा था? अलाउद्दीन रखा था। उसके बाद बोलना है कि घोड़ा दागने एवं सैनिक का हुलिया लिखने का प्रथा किसने शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी था। उसके बाद बोलना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की दर बढ़ाकर एक बटा कितना कर दिया था? दो कर दिया था, यानी कि भू राजस्व दर का बढ़ाकर कितना कर दिया था? उपज का एक बटा दो भाग। उसके बाद इसमें था कि खुम्स जो लूट का धन होता था सुल्तान का कितना भाग होता था? एक बटा चार भाग होता था, और इसके स्थान पर कितना कर दिया था? चार भाग कर दिया था, बिल्कुल सही है। तो आपको ये बोलना है कि कौन ऐसा शासक था जो बाजार में कम तोलता था तो उसको शरीर से उतना मांस काट लेता था? अलाउद्दीन खिलजी, बिल्कुल सही। नियंत्रण प्रणाली, हाँ, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लाया था? अलाउद्दीन खिलजी लाया था। उसके बाद ये बोलना है कि दक्षिण भारत के विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसे भेजा था? मलिक कापुर को, यानी कि काठियावाड़ से अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दिनार में खरीदा था, ठीक है। उसके बाद बोलना है कि जमैयत खाना मस्जिद यानी कि अलाई दरवाजा और सीरी का किला और हजार खंबा महल का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन पूछेगा, जमैयत खाना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद बोलेगा सीरी का किला? अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद बोलना है कि अलाई दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का क्या कहा जाता है? रत्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रत्न कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसको कहला जाता है, यानी कि किसको कहा जाता है? तो अलाई दरवाजा को। किसको कहा जाता है? अलाई दरवाजा को कहा जाता है। उसके बाद बोलना है कि दैवी अधिकार का सिद्धांत किसने चलाया था? अलाउद्दीन खिलजी, बिल्कुल सही है, अलाउद्दीन खिलजी चलाया था। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी के भी उपाधि लिया था, सिकंदर सानी के भी। उसके बाद आगे बोलना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम पूछते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाला दो नवीन कर था, आपको बोलना है एक कौन था? चराई कर था। अच्छा, ये बोलना है कि चराई कर था वो किस पर लगता था? दुधारू पशु पर लगता था। और दूसरा गड़ी कर था, गड़ी कर किस पर लगता था? घर और झोपड़ी पर। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने दो नवीन कर लगाया था, एक चराई कर, तो चराई कर
किस पर? दुधारू पशु पर। याद रहेगा तो आप तो सोचेगा ना, चरेगा कौन? पशु चरेगा, पशु चरेगा, तो यानी कि दुधारू पशु पर। और गड़ी कर जो लगाया था घर और झोपड़ी पर लगाया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोलना है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिएगा, अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन। और इनका जो जन्म हुआ था अमीर खुसरो का, कहाँ हुआ था? पटियाली। पटियाली में हुआ था, ठीक है। उसके बाद बोलना है आगे, बोलिएगा अलाउद्दीन खिलजी का जो शासन काल था कब से कब था? 1297-1306। देखिए 1296 में अपने ससुर यानी कि अपने चाचा के हत्या किया था, उसके बाद गद्दी पर बैठा, ठीक है ना। तो आपको ये बोलना है कि अलाउद्दीन खिलजी की जो काल दिया हुआ है 1297-1316 दिया हुआ, सॉरी 1306 दिया हुआ है, इसमें मंगोलों को कितने बार आक्रमण किया था? छह बार। इसके शासन काल में छह बार किया है। मंगोलों इसके शासन काल में कितना बार आक्रमण किया था? छह बार आक्रमण किया था, जिसमें प्रथम आक्रमण कब किया था? 1297 में किया था। 1297 में प्रथम आक्रमण पूछेगा तो 1297 में। उसके बाद दूसरा आक्रमण किया था 1298 में। फिर रेगुलर किया, तीसरा किया है 1299 में। इस तरह से क्या है, लेकिन हम मेन क्वेश्चन पूछते हैं, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी का मृत्यु कब हुआ था? 1316 में। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 1316 में। उसके बाद बोलना है, उसके बाद बोलना है जी कि कौन ऐसा शासक था जो कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों को कपड़ा पहन कर आ जाता था? मुबारक खिलजी था। कभी कभी क्या करता था ना कि दरबार में स्त्री का जो कपड़ा रहता वो पहन के चला जाता, कौन? मुबारक खिलजी। उसके बाद बोलना है कि खलीफा की उपाधि धारण किया था कौन? मुबारक खिलजी। मुबारक खान यानी कि उपाधि धारण किया था। उसके बाद बोलना है तो होमवर्क तो आपको दिया हुआ था सिर्फ खिलजी वंश, ठीक है, तो ल्यूसेंट में तो इतना दिया हुआ है। तो हम अलाउद यानी कि हम खिलजी वंश के बारे में हम कुछ कहानी कहते हैं, ठीक है, उसके बाद हम अगला होमवर्क पूछेंगे। तो खिलजी वंश के बारे में बात करेंगे, तो खिलजी वंश का जो शासन काल है 1290 से 1320। खिलजी वंश की बात करेंगे तो खिलजी वंश की स्थापना जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। किसने किया था? जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। जलाउद्दीन फिरोज खिलजी की बात करेंगे तो जलाउद्दीन फिरोज खिलजी के भतीजा या तो फिर दामाद कहिए या तो सेनापति कहिए, यानी कि जलाउद्दीन खिलजी का भतीजा भी था वही, दामाद भी था वही, और सेनापति बात यानी कि सेनापति बात यानी कि था वही, कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी यानी कहेगा कि जलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। और बोलेगा भतीजा भी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था, सेनापति भी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की बात करेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम अली और गुरशप था। अली और गुरशप था। अलाउद्दीन खिलजी वह विश्व विजेता बनना चाहता था। क्या बनना चाहता था? विश्व विजेता बनना चाहता था, ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी की बात करेंगे तो इनके चाचा यानी कि जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने इनको का मणिपुर का क्या नियुक्त किया था? सूबेदार नियुक्त किया था, सूबेदार नियुक्त किया था। उसके बाद बात करेंगे कि 1294 में देवगिरी यानी दौलताबाद में वहां के शासक यानी कि रामचंद्र यादव को अलाउद्दीन खिलजी ने हरा दिया। क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी ने हरा दिया। जो देवगिरी या दौलताबाद जो बोल रहे हैं ये महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। उसके बाद बात करेंगे तो 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ससुर या तो कहिए अपने चाचा कौन जलाउद्दीन खिलजी को हत्या कर दिया। किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी कर दिया। यानी कि 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ससुर कहिए या अपने चाचा कहिए, क्वेश्चन पूछता है कि कौन ऐसा शासक था जो अपने ससुर के हत्या करके गद्दी पर बैठा था? अलाउद्दीन खिलजी। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में
अपने ससुर या अपने चाचा के हत्या करके गद्दे पर बैठा। उसके बाद बात करेंगे तो देखिए, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने उसके बाद गुजरात पे यानी कि अटैक किया, गुजरात पे आक्रमण किया। उसमें गुजरात के शासक कर्णदेव थे। कौन थे? कर्णदेव थे। तो कर्णदेव ने यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने कर्णदेव को हरा दिया और उनकी पत्नी कमलावती को यानी कि कमलावती से फिर अलाउद्दीन खिलजी ने शादी कर लिया। क्या कर लिया? शादी कर लिया। अरे पहले के तो जानते हैं कि शादी पर शादी हो जाता है ना। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कर्णदेव को हरा के उनकी पत्नी कर्णदेव की पत्नी कमलावती से शादी कर लिया। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अपने तो करबे किया, अपने पुतरबों के करेगा, देखेगा। होता क्या है कि देखिए, कमलावती से शादी की, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने कर्णदेव के जो पुत्री देवल देवी थी वो भाग के देवगिरी चला गया। यानी कि देवगिरी भाग गई थी। कहाँ भाग गई थी? देवगिरी। कौन भाग गई? कर्णदेव के पुत्री। यानी कि कर्णदेव के पत्नी तो अलाउद्दीन शादी कर ही लिया, लेकिन पुत्री देखा ना तो भाग गया। कहाँ? देवगिरी भाग गया। जब देवगिरी भागा तो अलाउद्दीन उसका पीछा किया। जब पीछा किया तो फिर वो पकड़ा गई। जब पकड़ा गई तो उसको पकड़ के अपने पुत्र खिलजी खां से अलाउद्दीन शादी देवल देवी को कर दिया। यानी कि अपने भी किया, अपने पुत्र को भी शादी कर दिया, है ना? खिलजी का। उसके बाद बात करते हैं कि जब कुछ समय के बाद खिलजी खां के हत्या हो जाता है, उसके बाद हम बात करते हैं कि खिलजी खां के हत्या हो जाता है तो क्या करता है। इससे अगला जो पुत्र होता है, अलाउद्दीन खिलजी का जो अगला पुत्र रहता है, उसका शादी फिर देवल देवी से कर देता है। होता क्या है फिर, इस तरह से तो किया। उसके बाद बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी की। तो अलाउद्दीन खिलजी यानी कि गुजरात के काठियावाड़ तट से मलिक कफूर को 1000 दिनार में खरीदा। कितना में खरीदा? 1000 दिनार में खरीदा। अलाउद्दीन खिलजी ने काठियावाड़ से किसे खरीदा? मलिक कफूर को कितना में खरीदा? 1000 दिनार में खरीदा। इसीलिए मलिक कफूर को क्या कहा जाता है? 1000 दिनारी। 1000 यानी कि कहा जाता है 1000 दिनारी के नाम से किसे जाना जाता है? मलिक कफूर को। और याद रखिएगा, मलिक कफूर एक हिजड़ा था। हिजड़ा का मतलब समझ सकते है ना? मलिक कफूर, ठीक है ना, थर्ड पर्सन था, ठीक है ना? तो मलिक कफूर, लेकिन बाद में अलाउद्दीन क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को सेनापति बना लिया। क्या बना लिया? सेनापति बना लिया। और सेनापति जब बना दिया तो इसको दक्षिण भारत के विजय के लिए भेज दिया। दक्षिण भारत के विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसे भेजा? मलिक काफूर को भेजा। किसे भेज दिया? मलिक काफूर को भेज दिया। बात करते हैं जब अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान के रणथंभौर पर आक्रमण किया तो वहां के शासक को हरा दिया। किसने हरा दिया जी? अलाउद्दीन खिलजी हरा दिया। जब वहां के शासक को हरा दिया तो इसका अगला टारगेट चित्तौड़ पर पड़ा। इसका अगला टारगेट चित्तौड़ पर पड़ा। यानी कि रणथंभौर राजस्थान में पड़ता है। जब यहाँ अटैक किया रणथंभौर पर तो यहाँ के शासक को हरा दिया, तो उसके बाद इसका अगला निशाना चित्तौड़ पर पड़ता है। चित्तौड़ के शासक राणा रतन सेन थे। चित्तौड़ के शासक कौन थे? राणा रतन सेन। और इनकी पत्नी पद्मावती थी। कौन थी? पद्मावती। यानी कि अकबर को पता चला, सॉरी औरंगजेब को, कहां चला था, अलाउद्दीन खिलजी को पता चला कि जो राणा रतन सेन के जो पत्नी है बहुत खूबसूरत है। कौन? पद्मावती। तो अगला जो टारगेट बनाया यानी कि अटैक करने के लिए कहां बनाया? चित्तौड़। तो फिर अपने सैनिक के साथ वह चित्तौड़ गया। यानी कि सैनिक और जो भी था कहां गया? चित्तौड़ गया। जब वहां गया तो राणा रतन सेन से मिला, तो राणा रतन सेन से एक शर्त रख दिया। कौन रखा शर्त? अलाउद्दीन खिलजी रख दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने एक शर्त रखा कि देखिए, यदि आप यानी कि पद्मावती से यानी कि आप अपनी पत्नी से आप हमें एक झलक शीशे में आप दिखा देते हैं तो हम दिल्ली घूर के यानी कि दिल्ली लौट के चला जाऊंगा, अटैक नहीं करूंगा।
राणा रतन सेन के पत्नी इतना खूबसूरत थी, इसके बारे में अलाउद्दीन खिलजी को पता चल गया था, इसीलिए इस पर यानी कि चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए योजना बनाया। उसके बाद आया तो उसके बाद यानी कि राणा रतन सेन से परमिशन लिया कि देखिए आप अपनी पत्नी को यानी कि शीशे में एक झलक दिखला देते हैं तो हम दिल्ली लौट के चला जाऊंगा। राणा रतन सेन मान गए, राणा रतन सेन मान गए। जैसी यानी कि पद्मावती को शीशे में दिखाया, अलाउद्दीन खिलजी बेहोश हो गया। क्या हो गया? बेहोश हो गया। अच्छा बेहोश क्यों हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी कहे मतलब अलाउद्दीन खिलजी तो बेहोश हुआ क्या? खूबसूरती देख के अलाउद्दीन खिलजी ने बेहोश हो गया। कहे का मतलब हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी क्यों बेहोश हुआ? हाँ, पद्मावती की खूबसूरती देखकर। हाँ, पद्मावती की खूबसूरती देखकर अलाउद्दीन खिलजी क्या हो गया? बेहोश हो गया। जब अलाउद्दीन खिलजी बेहोश हो गया तो फिर उसको बाद में होश आया तो वहां पे जो सारे सैनिक था तो फिर बोला कि अटैक करो, यानी कि राजपूत सारे पर अटैक करो। कौन यानी कि आदेश दे दिया? अलाउद्दीन खिलजी दिया। सोचा कि हम इस पर अटैक करके पद्मावती को लेके चल जाएंगे, ये सोचा। लेकिन जैसी आदेश दे दिया अलाउद्दीन खिलजी सारे सैनिकों की यानी कि अटैक करो, तो फिर लड़ाई चलने लगा। जब लड़ाई चलने लगा तो उसके बाद बहुत सारे राजपूत मारे गए। लेकिन बाद में पता चला पद्मावती को कि राणा रतन सेन हारने वाले हैं, राणा रतन सेन हारने वाले हैं। तो देखिए राजपूत में होता है ना, राजपूत में होता है कि युद्ध में यानी कि युद्ध में जब उसके पति जब यानी कि हार रहे हैं तो कहे मतलब जो पत्नी होते हैं सब क्या कर लेते हैं? जौहर कर लेते हैं। तो उसी प्रकार से जब राणा रतन सेन के बारे में पद्मावती को पता चला कि राणा रतन सेन हारने वाले हैं तो सोचा कि अब रक्षा करने वाले कौन रहेगा। तो सारे जो भी राजपूत महिला थी यानी कि जौहर कर रही थी तो उसके साथ जाकर यानी कि पद्मावती भी जौहर कर ली। जौहर का मतलब होता है जलती हुई अग्निकुंड में आत्मदाह कर लेना, इस तरह से कहानी। तो हम इसका होमवर्क खिलजी वंश था, नेक्स्ट दिन हम तुगलक वंश करेंगे। थोड़ा सा हम इसमें बायोलॉजी में साइंस यानी कि साइंस दिए थे, साइंस में है ना, बायोलॉजी में दिए थे क्या, ब्लड से रिलेटेड था, उसका हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ब्लड से था, पेज नंबर कितना था जी? ब्लड था यानी कि मानव रक्त था, ठीक है। तो हम आप क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक। तो बोलिएगा मानव रक्त कैसा ऊतक है? संयोजी ऊतक। यानी कि मानव रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, बिल्कुल सही। आपको बोलना है कि मानव रक्त में यानी कि बोलना है कि मानव के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर का लगभग कितना भाग होता है, यानी कितना प्रतिशत होता है? 7% होता है। यानी कि शरीर जितना वजन रहेगा उसका 7% ब्लड रहेगा, है ना। उसके बाद बोलना है जी कि रक्त का पीएच मान यानी कि रक्त का जो प्राकृतिक होता है क्या होता है? अम्लीय क्षारीय। क्या होता है? क्षारीय होता है। क्षारीय इसलिए होता है क्योंकि इसका पीएच मान जो होता है, पैर इधर उधर कर सकते हैं, टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना। बैठो बैठो इतना थोड़ा हार्ड वर्क है, ठीक है ना। हार्ड वर्क नहीं, इतना भी नहीं का एक मतलब अति करना, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना। तो हम बोल रहे हैं क्या का, अच्छा रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। पीएच मान की बात करेंगे तो पीएच मान का जो निर्धारण सोरेनसन 1909 में किया था, और पीएच मान जो मापा जाता है 0 से 14 तक मापा जाता है। कहां से कहां तक मापा जाता है? 0 से 14 तक मापा जाता है। 0 से 7 के बीच अम्लीय, 7 जो होता है उदासीन, और 7 से अधिक होता है उसको क्षारीय कहते हैं। तो ब्लड का पीएच मान 7.4 है तो 7 से अधिक है, इसका मतलब क्षारीय है। तो आगे हम पूछते हैं यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य में औसतन रक्त कितना लीटर होता है? 5 से 6 लीटर, बिल्कुल सही। उसके बाद बोलना है महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कितना ब्लड कम होता है? 1.5 लीटर। आधा लीटर, आधा लीटर का, आधा लीटर। हम समझ रहे हैं आपको, हाथ होगा लेकिन थोड़ा सा
यानी कि आधा लीटर कम होता है, कम होता है। उसके बाद बोलना है कि रक्त में दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, एक प्लाज्मा और एक रुधिराणु। यानी कि रक्त में दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, कौन कौन पाए जाते हैं? प्लाज्मा और रुधिराणु, यानी कि रुधिराणु, यानी कि ब्लड कॉर्पसेल्स। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा की। तो ब्लड में प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है? 55 से 60% होता है। ब्लड में प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है? 55 से 60% होता है। उसके बाद बात करेंगे तो प्लाज्मा में जो जल होता है 90% होता है। क्वेश्चन पूछेगा प्लाज्मा में जल कितना परसेंट? 90% प्लाज्मा में जल 90%। लेकिन ब्लड में प्लाज्मा कितना होता है? तो 55 से 60%। ब्लड में प्लाज्मा कितना? 55 से 60। देखिए, जब ब्लड में प्लाज्मा निकाल लीजिएगा ना, तो जो भी बचेगा सीरम बचेगा। क्या बचेगा? कहेगा सीरम क्या किसे कहते हैं? तो हम कहेंगे देखिए, जो ब्लड है, ब्लड से आप प्लाज्मा निकालिए ना, और जो सारा बचेगा आप सीरम बचेगा, आप देख लीजिए, है ना। तो आपको ये बोलना है कि ब्लड में प्लाज्मा कितना प्रतिशत? 55 से 60। लेकिन प्लाज्मा में जल कितना प्रतिशत? 90%। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है, यानी कि शेष प्लाज्मा को क्या कहा जाता है? सेरम कहा जाता है। शेष प्लाज्मा को ही सेरम कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है? प्लाज्मा को ही, शेष प्लाज्मा को क्या कहा जाएगा? सेरम। कहे का मतलब, शेष प्लाज्मा का मतलब क्या? जो बचा हुआ है जो, उसको सेरम कहा जाएगा। उसके बाद बोलिएगा यानी कि ब्लड कॉर्पसेल्स के, यानी कि रुधिराणु के, तो रक्त में 40 से 45% होता है। प्लाज्मा होता है 55 से 60, तो जे बचेगा रुधिराणु बचेगा 40 से 45, ठीक है ना। 55-60 घटा लीजिएगा, हाँ। तो उसके बाद आपको बोलना है, यानी कि बोलिएगा आप आरबीसी, आरबीसी की बात बताइएगा। तो आरबीसी स्तनधारी में कैसा पाया जाता है? स्तनधारियों में जो लाल रक्त कण होता है ना, वो है, यानी कि वह अवतल होता है, ओविया अवतल होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि आरबीसी जो होता है ना अस्तनधारी में कैसा होता है? ओविया अवतल होता है। क्या होता है? ओविया अवतल। और याद रखिएगा, दो को ऐसा जानवर है इनकी आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, ओट और लामा में, ठीक है ना। ऐसे देखिए, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाएगा किसमें? ओट और लामा। नहीं, स्तनधारी में जो होता है ना, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन ऊट और लामा में केंद्रक पाया जाता है, याद रखिएगा। यानी कि स्तनधारी में जो आरबीसी है ना, उसमें केंद्रक नहीं होता है, लेकिन दो गो अपवाद में है, ऊट और लामा, उसमें आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा उसको कहते हैं जी, बड़ा बड़ा हड्डी होता है ना, उसके अंदर खोल होता है, जैसे में मुर्गा खाते हैं, बड़ा हड्डी होता है जो लेग पीस कार्टिलेज वाला रहता है, जो चूसते हैं जी, हाँ, जो कार्टिलेज वाला रहता है ना वहाँ पे, तो उसी में ब्लड का निर्माण होता है, अस्थि मज्जा कहते हैं ना। तो उसके बाद बात करेंगे, यानी कि बोलना है कि आरबीसी का जो जीवन काल होता है कितना से कितना दिन होता है? 20 से 120 दिन होता है। और बात करेंगे, और याद रखिएगा, ऐसे ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। लेकिन जब भूर्ण अवस्था रहता है ना, अब जैसे भूर्ण अवस्था है, तो उसका ब्लड कहाँ बनेगा? यकृत में बनेगा। उसका ब्लड कहाँ बनेगा? यकृत में बनेगा, ठीक। उसके बाद बात करेंगे कि हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लौह यौगिक कौन है? हिमैटिन है। कौन है? हिमैटिन। यानी कि हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले लौह यौगिक कौन है? हिमैटिन है। उसके बाद बात करेंगे, यानी कि सोते समय आरबीसी की मात्रा कमता है कि बढ़ता है? कम जाता है। बिल्कुल सही, कम जाता है। क्या होगा? कमेगा। जब सोइएगा तो आरबीसी की मात्रा कम जाएगा, लेकिन जब 4200 मीटर ऊंचाई जाइएगा ना, तो आरबीसी की मात्रा में 30% वृद्धि होता है। कितना प्रतिशत? 30%। जब सोइएगा तो 5% की कमी होगा, लेकिन 4200 मीटर से ऊपर जब जाइएगा ऊपर, तो 30% बढ़ता है। कितना बढ़ता है? 30%। आरबीसी की मात्रा बढ़ जाता है।
आरबीसी की मात्रा किससे मापा जाता, हीमोसाइटोमीटर से। किससे? हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर। उसके बाद बोलना है थैलेसीमिया एक ऐसा रोग है जिसमें लाल रुधिराणु नहीं बनते। क्वेश्चन पूछेगा कौन ऐसा रोग है जिसमें लाल रुधिराणु नहीं बनते हैं, तो क्या बोलेगा? थैलेसीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेंगे आरबीसी हो गया, अब डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे। तो डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स बोलते हैं, है ना, श्वेत रक्त कण। तो आपको ही बोलना है इसका जो जीवन काल होता है 2 से 4 दिन, या कहीं कहीं 1 से 4 दिन दे रहे, 1 से 4 दिन, ठीक है ना। और डब्ल्यूबीसी को यानी कि शरीर का बॉडीगार्ड भी कह सकते हैं, है ना, शरीर का बॉडीगार्ड कहेंगे, ठीक है ना। तो आपको ये बोलना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, इसमें तो ज्यादा नहीं दिया हुआ है लेकिन जितना दिया हुआ है हम पूछ लेते हैं। और ऐसे भी पूछेगा कि रक्त बिंबाणु की बात बोलेगा, तो आपको ये पूछ यानी कि पूछ रहे हैं रक्त बिंबाणु का जीवन काल कितना दिन होता है, 3 से 5 दिन होता है। रक्त बिंबाणु का जीवन काल 3 से 5 दिन। आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन हुआ। हाँ, 20 से 120 दिन। और डब्ल्यूबीसी के 1 से 4 दिन, कहीं कहीं 2 से 4 भी दिन रहता है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद रक्त बिंबाणु की बात करेगा तो 3 से 5 दिन। और याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि डेंगू जो ज्वर होता है, मानव शरीर में किसकी कमी होता है? प्लेटलेट्स की कमी होता है। किसकी कमी होता है? खास करके अभी डेंगू के किसका मात्रा कमी हो जाएगा, प्लेटलेट्स के कमी हो जाएगा। तो देखिए प्लेटलेट्स के बढ़ाने के लिए जुगाड़ क्या कह सकते हैं, देसी जुगाड़, जैसे में यानी कि बकरी का दूध जो पीजिएगा, बकरी का दूध हो गया, भेड़ का दूध हो गया, हाँ ये सबसे क्या बढ़ेगा, प्लेटलेट्स ज्यादा बढ़ता है, भेड़ वाला दूध पीजिएगा ना, बकरी ज्यादा काम करता है, प्लेटलेट्स बढ़ता है, ठीक है ना। फिर पपीता जो होता है ना उससे भी बढ़ता है, पपीता का पत्ता जो होता है उसको अति करके पीजिए, उससे भी प्लेटलेट्स, पपीता हो गया, गिलोई का पत्ता हो गया, इससे भी बढ़ेगा। ये जो होमवर्क दिए थे कहाँ तक दिए थे, यहीं तक दिए थे, रक्त का कार्य कल से देंगे, ठीक है ना। तो अब हम नेक्स्ट बुक स्टार्ट करेंगे, इडोटेरिया 5000 प्लस स्टार्ट करेंगे, सेट नंबर 3। पानी पीना है तो पी सकते हैं, हम तो पिएंगे, नहीं पीजिएगा आप सब तो। अरे एक मिनट में आ रहे हैं, एक मिनट में आ रहे हैं कि एक मिनट में जा रहे हैं, नहीं जस्ट तो पीजिएगा। एक होता है कि देखिए कैमरा के नजर में ठीक नहीं लगेगा, एक होता है कि करते समय पानी ज्यादा यूज नहीं करते। बोलते हैं नहीं, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा बोलने थोड़ा प्यास लगे अभी पीजिएगा। चलिए कैलोरी तो पावर भी नहीं जाता, देखिए पानी में 0 कैलोरी होता है, पानी में 0 कैलोरी होता है, लेकिन नहीं लगेगा कि हमको एनर्जी मिल गया। होता है क्या है कि पानी में ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन शरीर में मिल जाता है, इसलिए लगेगा कि एनर्जी फील होता है, जबकि पानी में 0 कैलोरी ऊर्जा। क्वेश्चन पूछेगा पानी में कितना कैलोरी ऊर्जा, 0 कैलोरी। चला गया। आज हम तीसरा नंबर सेट स्टार्ट करेंगे, और वहां ध्यान दीजिएगा जो नए स्टूडेंट होंगे उनको हम बता देना चाहते हैं कि जो इसका जो होमवर्क मिलता है आरएसएस टीचिंग सेंटर टेलीग्राम पर दिया जाता है, तो यदि आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन होके आप होमवर्क कीजिए। और अब स्टार्ट करते हैं, पूछते हैं करा है फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है, तो हम ऑप्शन बोलेंगे। फर्स्ट ऑप्शन में देसी रियासतों को एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होता था, ये था विशेषता, बिल्कुल सही था। हम नेक्स्ट ऑप्शन बोलते हैं देसी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी, बिल्कुल नहीं, ये क्या था, ए गलत था, गलत, ए क्या था, गलत था। अब सही आउट था जो हम पूछ लेते हैं, देसी रियासतों को विदेश नीति कंपनी के अधीन होगी, ये सही था, सही है, बिल्कुल सही है। कंपनी की सेना का खर्च रियासत उठाएगी, ये सही था, गलत, सही है। हमसे गलत पूछ रहा था तो गलत ऑप्शन नंबर बी, जो देसी रियासतों के आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी, ये गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, करानियम में से किस समाचार पत्र पर बर्नाकुलर एक प्रेस के तहत कार्रवाई की गई,
तो किस पर किया गया था? भारत में इस पर किया गया था। और बात करते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तो शुरू कब हुआ था? 1878 में। किसके शासन काल था? लॉर्ड लिटन के शासन काल। लेकिन इसका जो समाप्त किया था लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन वर्नाकुलर प्रेस समाप्त किया था लॉर्ड रिपन। उसके बाद देखिए ज्यादा इसमें डिटेल नहीं करेंगे क्योंकि इसमें 50 क्वेश्चन है, फिर यह स्पीडी है, लेकिन जितना होगा उतना कर ले जाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे टाइम बचेगा तो और ज्यादा करेंगे, ठीक है। और ये सब जो हम करवा रहे हैं, जो किसी भी एग्जाम दीजिए इसमें हर हाल में ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो अब की बार डबल स्टार, चलिए डबल स्टार। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। कहे मायूस क्यों है जी? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था या संपादित किया गया था? मोतीलाल नेहरू। बिल्कुल सही। इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? मोतीलाल नेहरू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि बाल हत्या पर था किसके प्रेसिडेंसी में अधिक था? बंगाल। किसमें? बंगाल में अधिक था। यानी कि बाल हत्या पर था किस प्रेसिडेंसी में अधिक था? बंगाल। बंगाल वाला में अधिक था बाल। बंगाल बाल था बंगाल। ऐसे भी उसका एरिया बहुत विस्तृत था, बिहार उड़ीसा ही सब उसमें आ जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है जी? मौलवी सिंधी। बिल्कुल सही। रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? तो मौलवी उबैदुल्ला सिंधी। देखिए हर क्वेश्चन को हम दो बार पूछ लेते हैं ताकि जो स्टूडेंट देख रहे हैं ताकि उनको भी समझ में आ सके। तो रेशमी रुमाल से अंत किससे संबंधित है? मौलवी उबैदुल्ला सिंधी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? नागपुर अधिवेशन में पारित किया गया था। असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में यानी कि पारित किया गया था? नागपुर अधिवेशन। असहयोग कब शुरू हुआ था? 1920 में। लेकिन समाप्त कब हुआ था? 1922 में। क्यों समाप्त हुआ था? चौरा चोरी घटना। कहाँ हुआ था? गोरखपुर में। गोरखपुर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। जिसमें हुआ था क्या जानबे करते हैं कि एक थाना था, थाना में यानी कि 20 सिपाही और एक दरोगा को जला दिया था, आग लगा दिया था, जिसके कारण गांधी जी आनंद फानंद में असहयोग आंदोलन यानी कि वापस कब? 1922 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो हम बोलेंगे ऑप्शन, यह एक बंद तंत्र होता है। बिल्कुल गलत। यानी कि खुला होता है। और सही कौन कौन होता है जो बोलते थे? फिर से बोलते हैं कि निम्नलिखित में कौन यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो यह एक बंद तंत्र होता है। नहीं, गलत है। ये खुला तंत्र होता है। फिर आगे बोलते हैं, इसकी अपनी उत्पादकता होती है। होती है। यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र है। बिल्कुल है। यह एक कार्यशील इकाई है। बिल्कुल है। तो देखिए हम बार बार बोला है, इंडोटेरिया 5000 प्लस है जो किसी भी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा, इसलिए एक एक सेट इसको हम स्टार्ट किए हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? करण, निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है? तो कौन है जैविक हॉटस्पॉट? पश्चिमी घाट हो जाएगा। जैविक हॉटस्पॉट देखिए ऑप्शन के अनुसार से ही पश्चिमी घाट होगा। ऐसे भारत में यानी कि हॉटस्पॉट की संख्या चार गो है, जिसमें हो गया कौन, जिसमें यहाँ पश्चिमी घाट दिया हुआ, पूर्वी हिमालय है, फिर यानी कि सुंडा वाला भी एक है, फिर सुंडा लैंड वाला भी है, और एक और कौन है क्या कह सकते हैं, याद नहीं आ रहा है, लेकिन चार गो है, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो करा, किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? जल चक्र। सौर विकिरण किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? जल चक्र। होगा क्या कि जल रहेगा, सौर के द्वारा बाष्पित होकर ऊपर जाएगा, फिर संघनन होगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, इस तरह से क्रिया चलती रहेगी, इसी को चक्र कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने संघ भिक्षुणी स्त्री का प्रवेश की अनुमति कहाँ दिया था? वैशाली में दिया था। कहाँ दिया था? वैशाली। गौतम बुद्ध की बात करेंगे तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है ना। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। और गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति
बोध गया में हुआ था, बोध गया में हुआ था। और गौतम, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ज्यादा करेंगे तो बड़ा हो जाएगा वीडियो। भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो मरुस्थलीय क्षेत्र में। किसमें? मरुस्थलीय क्षेत्र में। और 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है, इस दिन क्या हो जाएगा? पृथ्वी और सूर्य की न्यूनतम दूरी हो जाता है। कहेगा क्वेश्चन कि सूर्य और पृथ्वी की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो कहेगा उपसौर। उपसौर क्या कहेगा? उपसौर। कब होता है? 3 जनवरी को। क्या कहते हैं? यानी कि कब होता है? 3 जनवरी को। इसको और किस नाम से जाना जाता है? अपभू की उपभू, अपभू शायद कहता है, ठीक है ना। तो होता है क्या ना कि इस दिन पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कम जाता है। कमता कितना है? तो 14.7 करोड़ किलोमीटर हो जाता है, ठीक है। और अधिकतम दूरी जो होता है ना, 4 जुलाई को हो जाता है। अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होता है, उसको हम अपसौर की घटना के नाम से जाना जाता है। एक पेरिहेलियन, एक एपिहेलियन के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो इंग्लिश में ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेंगे कि कौन सी भूकंप तरंग सबसे अधिक विनाशकारी होता है? तो कौन होगा? एल तरंग। एल का मतलब लव तरंग। लव तरंग, लव तरंग कितना खतरनाक होता है? सबसे ज्यादा खतरनाक, सबसे ज्यादा खतरनाक, ठीक है ना। लव यानी कि लव के देखिए मेन बात है ना कि जो लव तरंग है ना, इसका जो चाल है बहुत कम है, जिसके कारण सबसे ज्यादा खतरनाक खतरनाक है, ठीक है ना। उसके बाद बोलेंगे, उसके बाद बात करेंगे। तो ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, निम्नलिखित में कौन से सुमेलित है? तो रेड के लिए भारत और चीन के बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच। गलत है, हम क्वेश्चन मिलाने वाला बोल रहे हैं। रेड के लिए भारत और चीन के बीच है, गलत। रेड के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच है। डूरंड रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। देखिए सबसे पहली बात क्वेश्चन पूछेगा कि डूरंड रेखा अभी जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है, जबकि हाँ दिल्ली भारत पाकिस्तान है, गलत है। अब पहले था अफगानिस्तान और भारत के बीच, लेकिन अभी नहीं है, नहीं अभी है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पास। उसके बाद यह हुआ है मैगिनोट रेखा जर्मनी फ्रांस, बिल्कुल सही है। तो यही और नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, हिंडनबर्ग रेखा फ्रांस और बेल्जियम है, गलत। जर्मनी और पोलैंड, हिंडनबर्ग जर्मनी पोलैंड, हिंडनबर्ग जर्मनी पोलैंड। तो कुछ रेखा की बात कर लेते हैं, 49वीं समानांतर रेखा यूएसए कनाडा, 17वीं समानांतर रेखा उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम, 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया, 38वीं उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया, मैकमोहन भारत चीन, मैकमोहन भारत चीन, मैगिनोट जर्मनी फ्रांस, मैगिनोट जर्मनी फ्रांस। इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल तो हां जी बोलिए, इंग्लैंड और इंग्लैंड और फ्रांस, इंग्लैंड फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, इंग्लिश चैनल देख लीजिए, इंग्लिश चैनल यूरोप अफ्रीका में बांटता है, यहाँ देखिए, यहाँ यूरोप अफ्रीका कहाँ चले गए, यहाँ पर है, ठीक है ना। इंग्लिश चैनल यहाँ पर संधि बांटता है, हाँ जिब्राल्टर रहेगा तब ना, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? एंडीज। एंडीज कौन है? एंडीज है। एंडीज कौन महादेश में पड़ता है? तो दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। देखिए दक्षिण अमेरिका देख रहा है, ई एरिया में है, ठीक है, ई एरिया में। और रॉकी है जो उत्तरी अमेरिका में, रॉकी उत्तरी अमेरिका में। तो बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1919। किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया था? भारत शासन अधिनियम 1919। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? किस योजना? कैबिनेट मिशन योजना, बिल्कुल सही। किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? कैबिनेट मिशन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम सरकार का गठन की घोषणा कब हुआ था? 1946। अंतिम सरकार के गठन की घोषणा हुआ था ने, कब हुआ था? 24 अगस्त 1946। क्वेश्चन पूछेगा कि अंतिम सरकार के जो गठन का घोषणा हुआ था, कब हुआ था? 24 अगस्त 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारण निम्नलिखित में कौन कथन सही है? अब हम ऑप्शन पढ़ते हैं।
जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। यानी कि कह रहा है कि जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट की बात करेंगे तो राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहेगा। बिल्कुल रहेगा, सही रहेगा। यानी कि ऑप्शन दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है अनुच्छेद 54 का संबंध किससे है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन। भारत का राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 में, 352 हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। द्वितीय पद 307, राष्ट्रपति शासन 356। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो करा निम्नलिखित कथनों में कौन कथन गलत है, गलत बोलना है, हम ऑप्शन बोलते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों या अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होता है। बहुत अच्छा, सही है। नेक्स्ट ऑप्शन, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य का कार्यकाल के बाद पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता है, ये सही है कि नहीं, ये भी सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन भत्ता संचित निधि से दिया जाता है जबकि पेंशन भारत के संचित निधि से दिया जाता है, ये गलत है, ठीक है ना। ये जो बोल रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग एवं सदस्यों का वेतन भत्ता संचित निधि से दिया जाता है जबकि पेंशन भारत के संचित निधि से दिया जाता है, तो एक क्वेश्चन राज्य के संचित निधि से, राज्य के संचित निधि, रुक जाइए, पेंशन जब भी मिलना चाहिए भारत, वेतन भत्ता भारत संचित निधि क्यों आता है, जो पेंशन मिलता है ना राज्य के संचित निधि से मिलता है उसको। इसको थोड़ा सा हम अनकन्फर्म अभी है, थोड़ा सा ऐसा हमको लग रहा है कि ये भी सही है लेकिन हम अनकन्फर्म है तो हम देख के बताएंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आप भी कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि पहला ऑप्शन, वित्त आयोग एक अध्यक्ष और पद के सदस्य यानी कि पद व दो सदस्य होते हैं, तो गलत है। इनमें बोला है कौन गलत है, ये तो गलत है, है ना। और इसका जो कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है, तो सही, राष्ट्रपति के आदेश पर ही तय होता है। नेक्स्ट, इनके यानी कि पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है, ये भी गलत है, होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उपकरण है, ठीक है। तो इसका जो अब ऑप्शन बोलते हैं, यानी कि निम्न में कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के, पानी दे दीजिए, यानी कि निम्न में से कौन आरबीआई के मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है, तो ऑप्शन एक वैधानिक तरलता अनुपात, ये बिल्कुल सही है। नगद आरक्षित अनुपात, ये भी सही है। खुले बाजार की क्रियाएं, ये भी सही है। इनमें एक दो तीन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो खाद प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, खाद प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन समिति FRVM अधिनियम से संबंधित है, तो NK सी समिति। निम्नलिखित में कौन समिति FRVM से संबंधित है, तो कौन है, NK सी समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है तो बहुत सारा यानी कि इनमें से कौन होगा, तो ऑप्शन के अनुसार, तो निम्नलिखित में कौन संस्था न्यूनतम समर्थक मूल्य यानी कि MSP के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है, तो कौन करेगा, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन संस्थान न्यूनतम समर्थक मूल्य यानी कि MSP के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है, तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो सीता अध्यक्ष का संबंध किससे है जी, भूमि विभाग से। सीता अध्यक्ष भूमि विभाग, ये ऐसा बुक है किसमें साइंस यानी कि टोटल सब्जेक्ट इसमें है, ठीक है ना, कहीं पॉलिटी कहीं हिस्ट्री कहीं ज्योग्राफी कहीं इकोनॉमी, यानी कि टोटल है, इसलिए इस सेट को चलाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का जो सजीव वर्णन मिलता है किसे मिलता है, राज तरंगी के से।
राजतरंगनी के क्या लिखा था? कलहन। किसके द्वारा लिखा गया था? कलहन। क्वेश्चन पूछेगा कि राजतरंगनी में कहां के इतिहास के बारे में पता चलता? कश्मीर। कश्मीर के इतिहास के बारे में पता चलता। तो सिजदा और पैगोस प्रथा शुरुआत किसने किया था? बलवान। बलवान। सिजदा और पैगोस? बलवान। सिजदा और पैगोस? बलवान। हाँ, बलवान। बलवान शुरू किया था। हाँ, शुरू किया था। सिजदा और पैगोस बलवान ने ही शुरू किया था। ठीक है, खत्म। एकता प्रणाली था ना, एकता जो प्रणाली था, ए शाहजहां ए जी सिजदा पैगोस शाहजहां समाप्त किया होगा। रुक जाए तो शाहजहां समाप्त किया, ठीक है ना? सिजदा और पैगोस शाहजहां समाप्त किया, ठीक है। तो सिजदा और पैगोस ये तो सही हो जाएगा, शाहजहां समाप्त किया, लेकिन लागू क्या था? बलबन। एकता प्रणाली शुरुआत किया था ये तो समाप्त किया था बलबन। और 40 सरदारों का जो संगठन यानी कि शुरू किया था ये तो समाप्त किया बलबन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, उत्वी कौन था? तो उत्वी एक इतिहासकार। उत्वी कौन था? इतिहासकार। इतिहासकार कासिम के साथ आया था। हाँ, शेरशाह के बारे में कौन कथन गलत है? तो शेरशाह हम बोलते हैं ऑप्शन, शेरशाह ने बिलग्राम के युद्ध के बाद द्वितीय अफगान राज की स्थापना दिल्ली में की। बिल्कुल सही है। शेरशाह के उपज का 1/3 भाग के रूप में निर्धारित किया गया था। सही है। शेरशाह का मकबरा दिल्ली में है? नहीं, सासाराम में। यानी कि शेरशाह का मकबरा कहाँ? सासाराम में। बिल्कुल सही। हाँ, शेरशाह के द्वारा भूमि परमाइश यानी कि पैमाइश हेतु संडंडी सिकंदरी गज का प्रयोग हुआ। बिल्कुल सही है ना, शेरशाह का मकबरा सासाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्त माल्याद लिखे गया है? किसके द्वारा? किस शासक के द्वारा अमुक्त माल्याद लिखा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली संतलत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया था? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी किया था। किसने किया था? बहलोल लोधी। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी। अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कारण निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ केंद्र यानी कि केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो प्रोटीन। प्रोटीन ऑप्शन के अनुसार प्रोटीन हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, डीएनए दिया हुआ है, फॉस्फोलिपिड दिया हुआ है, प्रोटीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशित अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहां संपन्न होती है? ग्रेना की स्ट्रोमा। ग्रेना में। यानी कि जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो क्लोरोप्लास्ट कहां संपन्न होगा? ग्रेना में। कहां होगा? ग्रेना में। प्रकाश संश्लेषण यानी कि दिन में होता है तो यानी कि लाइट में, ग्रेना में। लेकिन जब रात होता है अंधार के समय तो स्ट्रोमा के द्वारा। किसके द्वारा? अस्ट्रोमा। लेकिन दिन में जो प्रकाश संश्लेषण होता है तो ग्रेना में। किसके द्वारा? ग्रेना में। तो आपको बोलना है कि हेलोफाइट होता है वे पौधे जो लवण मिट्टी में उगते हैं। हेलोफाइट कौन पौधे होते हैं? लवण उगने वाले पौधे। यानी कि वैसे पौधे जो लवण में उगते हैं उसे कौन पौधा बोलेंगे? हेलोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? तो बोलिएगा, यानी कि एड्स के लिए कौन कौन टेस्ट किया जाता है? एक पीसीआर भी किया जाता है। ऐसे प्रचलित जो टेस्ट है एलिसा, इसमें पीसीआर किया जाएगा, एलिसा किया जाएगा और CD4 किया जाएगा। एड्स के लिए पीसीआर, एलिसा और CD4। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर। एड्स की बात करेंगे तो एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड एमिनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। हिंदी में बात करेंगे तो उपार्जित प्रतिरक्षा हिंताजनम सिंड्रोम होता है। एड्स एक ऐसा बीमारी है यानी कि एड्स आसन यानी कि क्या कह सकते हैं, यानी कि क्या कह सकते हैं, आस कुछ ही निकल ले रहा है। एड्स एक ऐसा बीमारी है जो गलत तरह के संबंध बनाए क्या कह सकते हैं, समझ जाइएगा, ठीक है ना, इनके निकल नहीं रहा। और एड्स जो होता है शारीरिक संबंध बनाने से होता है, गलत तरह से अनैतिक संबंध बनाने से होता है। एड्स जो होता है अनैतिक संबंध बनाने से होता है। और एड्स में जो होता है ना, ये जो एड्स होता है, यदि किसी व्यक्ति को एड्स हो जाता है तो ये संकट जो क्या कह सकते हैं, वो उसी को ये यानी कि कमजोर कर देता है, प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर कर देता है, जिसके कारण और आसानी से ढेर सारा रोग उसको यानी कि जकड़ लेता है, यानी प्रतिरक्षा तंत्र को ये धीरे धीरे नष्ट कर देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्या गोड़ काम नहीं करता है? गोड़ की जरूरत नहीं है, मुंह की जरूरत है। बोलिए आंसर, कोई दिक्कत नहीं। देखिए फर्स्ट बार है ना, बैठे बैठे थोड़ा सा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या एक शायरी हो जाए तो अभी थोड़ा सा देखिए होता है क्या ना कि अभी फर्स्ट बार आए हैं, बहुत सा बोलने में शर्माइएगा। अरे बहुत सा तो देखिए उधर बैठे हुए हैं, तो क्या कीजिएगा। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करते हैं, धीरे धीरे हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो करानीन में से कौन सा रुधिर वर्ग यानी कि रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? कौन में नहीं होता एंटीबॉडी? एबी में। देखिएगा ब्लड ग्रुप की बात करिएगा तो एबी में कोई एंटीबॉडी नहीं होगा। एबी में एंटीजन होगा लेकिन एंटीबॉडी कोई नहीं होगा। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि कौन ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई एंटीजन नहीं होता, तो ओ में कोई एंटीजन नहीं होता। अरे उसका एंटीपार्टी कोई रहेगा? याद रखने के लिए सिर्फ बोले कोई उसका एंटीपार्टी रहेगा नहीं, क्योंकि ओ को सर्वदाता ब्लड ग्रुप कहा जाता है। ओ को सर्वदाता ब्लड ग्रुप कहा जाता है तो उसका कोई एंटीपार्टी नहीं, यानी कि याद रखने के लिए यानी कि एंटीजन ओ में नहीं होता है और एंटीबॉडी एबी में नहीं होता। एबी में नहीं होता है, होता है। एंटीजन ओ में नहीं होता है और एंटीबॉडी एबी में नहीं होता है। बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो इसका उल्टा ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो कौन ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीजन नहीं होता है, ओ में एंटीबॉडी होगा कि नहीं होगा? होगा। अब ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? याद रखने के लिए एंटीबॉडी याद रखने के लिए सिर्फ बोला बॉडी, ये तो खुद ए से दो है, ए बी यानी कि बॉडीगार्ड तो खुद है तो इसमें रहेगा एंटीबॉडी नहीं। याद रखने के लिए कि एंटीबॉडी कहेगा तो ए बी कह दिया, अच्छा ये तो खुद दो है यानी कि कोई एंटीबॉडी नहीं, ओके में कोई एंटीजन नहीं यानी कि वो सर्वदाता है इसका कोई एंटीबॉडी रहेगा नहीं। याद रखने के लिए सिर्फ बोले आगे आगे 39 यानी कि ट्रिपल वैक्सीन डीपीटी में कौन सा एक नहीं होता है, यानी कि डीपीटी में कौन कौन रोग होता है जो दिया हुआ है और कौन नहीं होता है? इसमें ऑप्शन में चार को दिया हुआ है। डीपीटी में डिप्थीरिया होता है, पर्टुसिस होता है, और टिटनेस होता है। पर्टुसिस यानी कि काली खांसी को बोला जाता है, ठीक है ना। उसी का फुल फॉर्म तो हुआ डीपीटी। तो पीलिया इसमें दिया हुआ है तो ये पीलिया नहीं होगा। पीलिया जो होता है ना रक्त में पीले कण के मात्रा बढ़ जाने से पीलिया हो जाता है जिसे जॉन्डिस कहते हैं। और आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि लीवर को प्रभावित करता है यानी कि यकृत। लीवर को कई नाम से जाना जाता है, जिसे में लीवर को यकृत बोलिएगा, कलेजा बोलिएगा, जिगर बोलिएगा, ऐसे कितना समझते थे ना कि अच्छा कलेजा वो तो दूसरा कुछ है। नहीं, यानी कि लीवर को ही यकृत, कलेजा, जिगर बोला जाता है। और जो लीवर का जो वजन होता है 1.5 से 2 kg होता है, 1.5 से 2 kg होता है। और जो भी कोई भी व्यक्ति जैसे जहरीला चीज कुछ भी खाता है ना तो संग्रहित कहाँ होता है? लीवर में ही होता है। और मनुष्य का जो एक ऐसा ही यानी कि लीवर है ना, यानी कि जब लीवर एक ऐसा है ना कि पुनर्वृद्धि होगा जी आपका। हाँ, जैसे लीवर काट के आप दूसरा को दान भी कर सकते हैं, जिसमें छिपके लिए कुछ ही काटिएगा तो नहीं बढ़ जाता है। उसी प्रकार से लीवर में भी यानी कि पुनरुद्धान के गुण पाया जाता है लीवर में, ठीक है ना। सबसे कम जो यानी कि कह सकते हैं कि कोशिका विभाजन सबसे ज्यादा यानी कि किसमें? लीवर में। और नहीं कोशिका विभाजन होता है ब्रेन यानी कि जो तंत्रिका तंत्र है ना इसमें नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो अल्फा कण के द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है, इसके आवेश किसके बराबर होते हैं? दो प्रोटॉन के। अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है, इसके आवेश किसके बराबर होते हैं? दो प्रोटॉन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के किस गतिकी नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? द्वितीय। न्यूटन तीन नियम दिया था, पहला में बल की परिभाषा, दूसरा में बल का व्यंजक। क्वेश्चन पूछेगा बल का परिभाषा किस में? पहला में, लेकिन बल का व्यंजक दूसरा में, और तीसरा में था एक्शन रिएक्शन यानी कि क्रिया के प्रति विपरीत क्रिया। जैसे मैं क्वेश्चन जब राइफल छोड़िएगा यानी कि गोली छोड़िएगा तो जब आगे बढ़ेगा तो पीछे ठेलेगा, तो एक क्रिया के प्रति विपरीत क्रिया। अब जैसे मैं इसको एक मारिएगा ना
तो या तो किसी व्यक्ति को मारिएगा, जैसे मैं इनको हम टच किए इसे, तो इनको तो लगवे करा लेकिन फिर हमको भी लग गया, यानी कि क्रिया के प्रति विपरीत क्रिया। या तो फिर कोई व्यक्ति नदी में तैरता है तो पीछे पहले मारता है तो नहीं आगे जाता है, यानी कि एक्शन रिएक्शन हुआ। उसी प्रकार से या तो रॉकेट उड़ता है उसमें भी न्यूटन गति का तीसरा नियम, यानी कि एक्शन रिएक्शन क्रिया के प्रति विपरीत क्रिया है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, करा सिलिकॉन जर्मेनियम कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होगा, बढ़ेगा। प्रतिरोधकता बोला है तो बढ़ेगा, प्रतिरोधकता बोला है तो बढ़ेगा, यानी कि सिलिकॉन जर्मेनियम कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है, सर्वाधिक समस्थानिक पोलोनियम 27 होता है, कितना होता है 27 होता है। और ये जो पोलोनियम है कौन देश के नाम पर रखा गया, पोलैंड के नाम पर। पोलोनियम ऐसा तत्व है जो किसी देश के नाम पर रखा गया था, पोलैंड, और सर्वाधिक समस्थानिक कितना होता है 27 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है, पानी। हाइड्रोजन को जलाइएगा तो पानी बनेगा है ना। अब हाइड्रोजन के कितना समस्थानिक होता है, तीन गो, ड्यूटेरियम प्रोटियम और टाइट्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो ग्रेफीन होता है क्या होता है, कार्बन के नैनो प्रतिरूप होता है, नैनो छोटा से छोटा, ठीक है ना। तो ग्रेफीन क्या होता है, कार्बन का नैनो प्रतिरूप। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है, 14 जून। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून। कुछ इम्पोर्टेंट दिवस की बात कर लेते हैं, तो जैसे मैं राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर, 15 जनवरी सेना दिवस, उसके बाद करेंगे 25 जनवरी तो भारतीय पर्यटक दिवस, और विश्व पर्यटक रहेगा तो 27 सितम्बर भारतीय पर्यटक, 25 जनवरी, उसके बाद बात करेंगे कि 30 जनवरी को तो शहीद दिवस, 26 जनवरी के तो कौन दिवस, गणतंत्र दिवस, उसके बाद फरवरी की बात करेंगे तो फरवरी 4 फरवरी कैंसर दिवस, 4 फरवरी कैंसर दिवस, उसके बाद बात करेंगे 21 फरवरी तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, उसके बाद बात करेंगे यानी कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी सर्वपल्ली राधा कृष्णन के जन्मदिन पर, उसके बाद मार्च की बात करेंगे तो 4 मार्च सुरक्षा दिवस, 4 मार्च सुरक्षा दिवस, 8 मार्च अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, 8 मार्च अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। मेन कर लेते हैं, ठीक है, इससे ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो आप कुछ मेन छोड़िए आगे, नेक्स्ट दिन होगा। चला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, 47 निम्नलिखित में सुमेलित करे, तो सुमेलित कीजिएगा, प्लाज्मा अनुसंधान गांधीनगर है, गांधीनगर गुजरात, सही है। उसके बाद राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ मारिएगा, पंजी गोवा। उसके बाद में लाइएगा केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर कर्नाटक, बिल्कुल सही। उसके बाद भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ, दिल्ली, यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, देखिए पुणे वाला वेधशाला कहेगा तो होगा, पुणे वाला वेधशाला कहेगा तो होगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा दिल्ली। यानी कि ट्रैक्टर अनुसंधान भी बोलेगा तो दिल्ली, कृषि अनुसंधान बोलेगा तो दिल्ली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है, पंचरात्र का संबंध वैष्णव धर्म, वैष्णव धर्म। हम इसको पूछ के फिर हम जो पीछे करवाए थे हम उसका भी पूछेंगे ताकि आप भूल जाइएगा, ठीक, कोई दिक्कत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि बोलेगा ना कि पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है, तो कौन सी बोलेगा, वैष्णव। छोटू से आज क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक, बताइएगा जी छोटू जी कि जब मोहम्मद गजनबी जब लूट के जा रहा था सोमनाथ मंदिर, तो आपको ये बताना है सोमनाथ मंदिर में कौन किनका मूर्ति है, शिव जी का, बिल्कुल सही। उसके बाद एक क्वेश्चन आप पूछते हैं कि जब सोमनाथ मंदिर को लूट के ले जा रहा था कौन, मोहम्मद गजनबी, तो उसको किसने लूट लिया, जाटों ने लूट लिया, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। तो अब इधर चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा, एक मात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान यानी कि किया गया, तो कौन, किन्हें प्रदान किया गया था, वेंकट रामन कृष्णन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बात कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे,
तो एकमात्र भारतीय यानी कि जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया किन्हें? वेंकटरमन रामकृष्ण को, यानी कि वेंकटरमन रामकृष्ण को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो भारतीय नौसेना के पहली महिला फ्लाइट यानी कि लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी है जो किस राज्य की रहने वाली है? बिहार की रहने वाली है। तो बिहार से बताइएगा कि बिहार में यानी कि लोकसभा की सीट कितना है? 40। राज्यसभा की सीट 16। राज्यसभा की सीट 16। विधान परिषद की सीट 75। 75। विधान परिषद की सीट 75। और विधानसभा के 200। बिहार में सबसे ज्यादा साक्षर राज्य सॉरी जिला साक्षर जिला रोहतास। याद रखिएगा बिहार में जिलों की संख्या 38। बिहार में जिलों की संख्या 38। 38वां जिला अरवल। 38वां जिला अरवल। 38वां असे अरवल। 38वां जिला अरवल जो कि जहानाबाद से अलग हुआ था। हाँ, 38वां जिला अरवल किससे अलग हुआ था? जहानाबाद से। याद रखिएगा जहानाबाद से अलग हुआ था। 38वां जिला अलग किससे अलग हुआ था? जहानाबाद से। उसके बाद बात करेंगे कि देखिए बिहार में 38 जिला में सबसे साक्षर जिला पूर्णिया। पूर्णिया सबसे कम साक्षर जिला पूर्णिया। तो सबसे कम साक्षर बोलेगा तो पूर्णिया, सबसे ज्यादा बोलेगा तो रोहतास, सबसे ज्यादा बोलेगा तो रोहतास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, इसमें तो हो गया। अब कुछ स्मरणीयता थे, ये पूछते हैं वेद, सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद। तो बोलना है आपको कि वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? पुत्री। ठीक, ऋग्वेद तीसरे मंडल में किसका वर्णन है? गायत्री मंत्र का वर्णन है। और बोलना है आपको कि सोम देवता का वर्णन कैमे मंडल में है? नौवें मंडल में है। उसके बाद बात करना है कि दसवें मंडल में किसका वर्णन है जी? चार वर्ण का वर्णन है जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलना है कि वेदों में इंद्र के लिए कितना 250 और यानी कि अग्नि के लिए कितने ऋचाओं की रचना किया गया? 200। याद रखिएगा एक इंद्र है एक अग्नि, याद रखिए भगवान लगे ज्यादा, भगवान इंद्र है तो 250। यानी कि बोलना है कि इंद्र के लिए कितने ऋचाओं की रचना किया गया था? 250 और अग्नि के लिए 200। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। अब बात करते हैं यजुर्वेद की। इस बोलना है कि यजुर्वेद इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? यानी कि आयुर्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वालों को अर्धायु बोला जाता है। उसके बाद बोलना है कि यानी कि यज्ञों के नियमों और विधि विधान का संकलन किस वेद में मिलता है? यजुर्वेद में। और बोलना है इसमें बोलना है आपको यज्ञों के नियम और विधि विधान का यानी कि संकलन किसमें मिलता है जी? यजुर्वेद में। और ये बोलेगा बलिदान विधि कर्म कांड इसमें किसमें मिलेगा? यजुर्वेद में। और गद पद वाला भी वेद यजुर्वेद, गद पद यानी कि गद और पद वाला वेद यजुर्वेद। उसके बाद बोलेगा कि सामवेद यानी कि बोलना है कि सामवेद के ऋचाओं को पढ़ने वालों को क्या कहा जाता है? उदात्र कहा जाता है, उदात्री कहा जाता है, ठीक है ना। और भारतीय संगीत के जनक कौन वेद को कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद बोलना है कि अथर्ववेद की बात बोलते हैं तो अथर्ववेद एक ऐसा वेद है इसमें जादू टोना शादी विवाह तंत्र मंत्र औषधि सबका वर्णन अथर्ववेद में, सबका यानी कि सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। अब बोलना है जी वेदों की संख्या कितना? वेदांग की संख्या, पुराण की संख्या 18, की संख्या 18, उपनिषद की संख्या 18। ये तो खत्म हो गया जी। अब हम कुछ जो दो दिन करा दिए उसको बारे में हम पूछते हैं, ठीक? ओके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा नहीं बल्कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम पूछेंगे जी, ठीक है ना। उसके बाद हम करंट पूछेंगे स्पीडी से, ठीक है। तो आप पूछते हैं, तो पूछते हैं कि पीएच मान कहां से कहां तक निर्धारित किया जाता है? 0 से 14। 0 से 14। पीएच मान का खोज किसने किया था? सोरेनसन। कब किया था? 1909 में। उसके बाद हम पूछते हैं सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम। कब लगाया? 712 ईस्वी। मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर
किस पर लगाया? सिंधवासियों पर। सिंधवासियों यानी कि कह सकते हैं सिंधवासियों में भी कहिएगा कि गैर यानी कि गैर मुस्लिम यानी कि सिंधवासियों में भी बोलना है कि गैर मुस्लिमों पर, जो मुस्लिम है उस पर नहीं लगाया है, गैर मुस्लिमों पर, ठीक है ना। उसके बाद बोलना है आपको, आपको बोलना है कि मोहम्मद गजनबी की बात करेंगे तो मोहम्मद गजनबी का पहला टकराव किसके साथ हुआ था? जयपाल के बीच, किसके बीच हुआ था? जयपाल के साथ हुआ था, तो जयपाल के साथ हुआ था। उसके बाद बोलना है कि मोहम्मद गजनबी की बात कर रहे हैं कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण क्यों किया था? गुजरात के शासक की मदद करने का, ये आनंदपाल का, यानी कि जयपाल का पुत्र आनंदपाल था। आनंदपाल और जब मोहम्मद गजनी जब लड़ाई लड़ रहा था उस समय गुजरात के शासक उसको हेल्प कर रहा था, ठीक है ना, जिसके कारण वो खिसियाल डायरेक्ट अटैक किसको पर किया था? सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर में किया था। यानी कि आपको ये बोलना है कि सोमनाथ मंदिर को कौन लूट के ले जा रहा था? गजनी, गजनी, गजनी ले जा रहा था। तो उसके रास्ते में किसने लूट लिया? जाटों ने लूट लिया। जाटों ने। तो आपको ये पूछ रहे हैं कि मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर अटैक कब किया था? 1025। लेकिन जब आगे गया तो जाटों लूट लिया, तो फिर मोहम्मद गजनबी जाटों से भी युद्ध लड़ेगा, कब लड़ा? 1027। लास्ट युद्ध उसका 1027 में रहा, ठीक है ना। उसके बाद 1030 में बेचारा लूट भी लिया, उसको बेचारा बोले हैं, बिल्कुल सही, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अब बात करेंगे हम मोहम्मद गौरी के। तो मोहम्मद गौरी ने एक सिक्का चलाया था, उसमें किसका चित्र? लक्ष्मी जी का। लक्ष्मी जी का। और याद रखिएगा इल्तुतमिश भी सिक्का चलाया था ना, इसके भी सिक्के में लक्ष्मी और नंदी बैल का भी इसका चित्र आता था, इल्तुतमिश वाला में भी, ठीक है ना। और मोहम्मद गौरी वाला में तो फिक्स है कि क्या? लक्ष्मी जी का, लक्ष्मी जी का। अब बोलते हैं कि मोहम्मद गौरी ने पहला भारत पर अटैक किया था 1175 में, कहां किया था? मुल्तान, मुल्तान पर। मुल्तान के सुल्तान किस खिलाड़ी को कहा जाता है? वीरेंद्र साहब आपको याद आ गया, तो मुल्तान का सुल्तान वीरेंद्र साहब। अच्छा कुमार जी, मुल्तान का सुल्तान किने कहा जाता है? वीरेंद्र साहब। तो हम यहाँ पर इधर चल रहे थे। अब बोलना है कि मोहम्मद गौरी ने 1178 में कहा? हिलवाड़, गुजरात के हिलवाड़ पर लड़ा था, जिसमें वहाँ के शासक भीम यानी कि मूल राजदूतीय या भीम द्वितीय ने उसको बुरी तरह से हराया था। तो कौन शहर से भाग के गया था तराइन? भटिंडा के रास्ता से भागा था तराइन में। तराइन में जब गया था 1191 में किसके साथ युद्ध हुआ? पृथ्वीराज चौहान से हो गया था युद्ध, है ना, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गया था, मोहम्मद गौरी के हार में, मोहम्मद गौरी के हार हो गया। दूसरा युद्ध फिर मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से हो जाता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान क्या हो जाता है? हार जाता है, क्योंकि पूरी तरह से तैयारी नहीं करता है, क्योंकि शादी ब्याह में लग रह जाता है ना, तो हार जाता है। उसके बाद 1194 में मोहम्मद गौरी ने चंदावर का जो जयचंद, हाँ जयचंद के साथ लड़ा था, तो क्या हुआ परिणाम? मोहम्मद गौरी जीत गए, जयचंद जीत गया। हाँ तो अब हम बात करते हैं, तो आज कुछ हाँ करेंगे करंट अफेयर भी करेंगे। तो अब बात करना है कि राणा रतन सेन की पत्नी का नाम बताना है। पद्मावती। पद्मावती, एक फिल्म भी आया था शायद पद्मावती, हाँ उसमें अलादीन खिलजी का रणबीर कपूर भी आया था। तो अब क्वेश्चन हम बोल, अच्छा 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 हम फिल्म विल्म नहीं देखते, हम नहीं जानते, ठीक है ना, हम इधर बोलिएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिएगा कि देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर विजय के लिए किसे भेजा था? मलिक कपूर को। मलिक कपूर को कितना में खरीदा था जी? 1000 में। इसीलिए उसको किस नाम से जाना जाता था? हजार दिनारी के नाम से किसे जाना जाता? मलिक कपूर को। किस, कौन कपूर? मलिक कपूर। अब बात करते हैं अब करंट अफेयर की, और कमेंट बॉक्स में आप सभी सजेशन दीजिएगा कि किस तरह से क्यूज और अच्छी तरीके से चलाया जाए।
तो हम पहले 806 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव इसका हम कर लेते हैं, उसके बाद हम इसमें भी मेन मेन पॉइंट कराएंगे। तो कल कितना तक हुआ था? 50 तक हुआ था। हम इधर करा के और उधर हम पीछे भी पूछेंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन बोलिएगा जी, बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता? सम्मान करुण पलकर। ठीक है, दो बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता? सम्मान करुण पलकर। करुणा तिलका, करुणा तिलका जीता, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं, करंट रटना नहीं है, सिर्फ रिवाइज कीजिए, ठीक है ना? वो मरा जाएगा ऑप्शन। करुणा तिलका। बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता? करुणा तिलका। करुणा तिलका यानी कि सेहान करुणा तिलका। अरे बुकर पुरस्कार तिलक लगा के जीता है, करुणा तिलका। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 सेकंड में 100 मीटर बाधा का रिकॉर्ड तोड़ने वाली पहली भारतीय महिला यानी कि हर्डलर कौन बनी? ज्योति यारा जी। 13 सेकंड में 100 मीटर बाधा का रिकॉर्ड तोड़ने वाली पहली भारतीय महिला यानी कि हर्डलर बन गई है ना, ज्योति यारा जी। उसके बाद बोलना है कि लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 किस संस्था द्वारा जारी किया गया? WWF वर्ल्ड वाइड फंड। तो आपको ये पूछना है, बोलना है कि बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता? सेहान करुणा तिलका। ठीक है, करुणा तिलका, सेहान करुणा तिलका। उसके बाद बोलना है कि लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 किस संस्था के द्वारा जारी किया गया था? WWF के द्वारा। और बोलना है किस भारतीय शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड जीत लिया? हैदराबाद। किसने जीत लिया? हैदराबाद। किसने जीत लिया? हैदराबाद। किस भारतीय शहर ने वर्ल्ड ग्रीन टी अवार्ड 2022 जीता? हैदराबाद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है? भारत। अपना देश भारत, अपना प्यारा देश भारत। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में 101वां देश अमेरिका, 101वां देश अमेरिका, 102वां देश बारबाडोस और एंटीगुआ, 102वां देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने पहली बार किस भारतीय भाषा में यानी कि MBBS कोर्स की यानी कि किताब लॉन्च किया है? किस भाषा में? हिंदी। यानी कि MBBS का आप किताब कौन भाषा में मिलेगा? हिंदी में। हिंदी में MBBS कीजिएगा तो आप हिंदी में भी बुक मिलेगा, ठीक है ना? वंदे मातरम यानी कि बोलना है वंदे भारत आधारित माल ढुलाई सेवा किस रूट पर शुरू की जा रही है? दिल्ली से मुंबई। दिल्ली से मुंबई। वंदे भारत, वंदे भारत क्या है? ट्रेन है ना, तो वंदे भारत आधारित माल ढुलाई सेवा किस रूट से शुरू की जा रही है? दिल्ली मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, PMDY योजना का उद्देश्य भारत के किस क्षेत्र के लिए विकसित के लिए है? उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र यानी कि PMDY योजना का उद्देश्य भारत के किस क्षेत्र विकास के लिए है जी? उत्तरी पूर्वी। लेकिन वंदे भारत आधारित माल ढुलाई सेवा किस रूट में? दिल्ली मुंबई। दिल्ली मुंबई। लेकिन भारतीय भाषा किस पहली बार किस भारतीय भाषा में MBBS का कोर्स लॉन्च? हमारी मातृभाषा हिंदी। हिंदी में होगा, है ना? उसके बाद बोलना है कि भारत ने किस देश के साथ वैक्सीनेशन प्रोग्राम को वर्ष 2027 तक बढ़ा दिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। जो बाइडेन कौन है? जो बाइडेन कई में है? 46 में। 46 जो बाइडेन कई में? 46 में। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। कमला हैरिस। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। 49वीं कई में। तो हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से पहले कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप। और अमेरिका में जो चुनाव होता है ना, एक व्यक्ति यानी कि एक व्यक्ति दो बार। वहां का जो शासन काल है 4 साल का, यानी कि एक बार जो राष्ट्रपति बनेगा 4 साल के लिए, और एक व्यक्ति दो बार बन सकता है। भारत में कई बार बन सकता है जब तक जीवित है तब तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निश्चित काल के लिए जीवित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्राप्ति किसी को नहीं है। किस कंपनी ने भारत की पहली एल्युमिनियम फ्रेट ट्रेन विकसित किया है? हिंडाल्को। किसने विकसित किया? हिंडाल्को। किस कंपनी ने भारत की पहली एल्युमिनियम फ्रेट ट्रेन यानी कि फ्रेट ट्रेन रेक विकसित किया है? हिंडाल्को। कौन? हिंडाल्को।
लेकिन ये बताना है कि भारत ने किस देश के साथ वैक्सीनेशन प्रोग्राम 2027 तक बढ़ा दिया है? अमेरिका के साथ। किस देश ने यानी कि 9वीं इंटरपोल महासभा की मेजबानी करेगा? भारत। किस देश ने 9वीं इंटरपोल महासभा का मेजबानी करेगा? भारत। ग्लोबल हंगर यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक 107। भारत का रैंक 107। यानी कि देखिए बढ़ने का रीजन है यहाँ इससे अच्छा पाकिस्तान है भुखमरी में, हम लोग से अच्छा है पाकिस्तान के तो जनसंख्या कितना है पाकिस्तान देखिए मेरे तो जानते हैं जनसंख्या उतना उतना तो बिहार के जितना पाकिस्तान के नहीं बिहार से कुछ ज्यादा होगा थोड़ा बहुत डिफरेंस उत्तर प्रदेश है उत्तर प्रदेश से ज्यादा नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे ग्लोबल 100 इंडेक्स में भारत का रैंक 2022 में 107 यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस आईआईटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा शुरू किया है? आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी। क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं राष्ट्रपति बनने से पहले क्या थे? क्या थे? राज्यपाल थे झारखंड के। झारखंड के राज्यपाल। झारखंड के राज्यपाल। ऐसे द्रौपदी मुर्मू कहाँ के हैं? उड़ीसा के। कहाँ के हैं? उड़ीसा के। नेक्स्ट क्वेश्चन और अभी उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीश धनखड़। जगदीश धनखड़। उपराष्ट्रपति अभी कौन है? जगदीश धनखड़। जगदीश धनखड़ उपराष्ट्रपति बनने से पहले क्या थे? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल। ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में यानी कि वर्ल्ड ड्रग पार्क का आधारशिला रखा है? हिमाचल प्रदेश। एचपी हिमाचल प्रदेश। हम सोचे हिंदुस्तान पेट्रोलियम बोल रहे हैं एचपी हिमाचल प्रदेश। क्या? हिमाचल प्रदेश। यानी कि नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में यानी कि बल्क ड्रग पार्क के आधारशिला रखा? हिमाचल प्रदेश। एचपी हिमाचल प्रदेश। उसके बाद बोलना है तो कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल एंड यानी कि यहाँ तक था ना हाँ तो बोलना है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल एंड यानी कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया यानी कि CICA का छठा शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? कजाकिस्तान। तो आपको बोलना है कि लैंड लॉक कंट्री सबसे बड़ा देश कौन है? कजाकिस्तान। लैंड लॉक कंट्री सबसे बड़ा कजाकिस्तान। दूसरा में मंगोलिया। दूसरा में मंगोलिया। दूसरा में जी मंगोलिया। यहीं पर कजाकिस्तान दिख रहा है कहाँ? कजाकिस्तान। उसके बाद मंगोलिया। कजाकिस्तान मंगोलिया ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश में एक पारिस्थितिकी तंत्र द ट्रैपिंग जोन खोजा है? मालदीव। किसने खोजा है जी? मालदीव। किसने खोजा है? मालदीव। किसका पड़ोसी है? भारत का पड़ोसी। मालदीव। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश में एक पारिस्थितिकी तंत्र द ट्रैपिंग जोन की खोज किया है? मालदीव। एशिया में सबसे छोटा देश? एशिया में सबसे छोटा देश भारत में IMF विश्व चैंपियनशिप 2022 में किस देश को हरा कर कांस्य पदक जीता था? जर्मनी। कितना साल बाद जीता था जी? 43 साल बाद। 43 साल। भारत ने IAS यानी कि भारत ने IASSF विश्व चैंपियनशिप 2022 में किस देश को हरा कर कांस्य पदक जीता? जर्मनी। किसने जीता? भारत। कितना साल बाद जीता? 43 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के दमन के लिए जिम्मेदार तालिबान के सदस्यों पर वीजा प्रतिबंध किया? कौन किया? यूएसए। किसने किया था? संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद बोलते हैं किस संस्था द्वारा एजुकेशन यानी कि 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च किया है? तो विश्व आर्थिक मंच। किसके द्वारा? विश्व आर्थिक मंच। इसमें कहां तक होमवर्क था जी? 75 यानी है ना। तो बोलना है चर्चित श्री यानी कि चर्चित श्री महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में है? उज्जैन में। कहां स्थित है? उज्जैन में। चर्चित महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में है? उज्जैन में है। उसके बाद आगे बोलना है संयुक्त अरब अमीरात का शीर्ष यानी कि अल्टरनेटिव मेडिसिन अवार्ड किस शिक्षाविद ने जीता है? तो वजाहत हुसैन। वजाहत हुसैन। बोलना है संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE
के शीर्ष अल्टरनेटिव मेडिसिन अवार्ड किस शिक्षाविद ने जीता है? बजाहत हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 का UNHCR यानी कि नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता? एंजेला मार्केल। जर्मनी के चांसलर। जर्मनी के चांसलर, अभी तो दूसरा पहले यानी कि पहले जर्मनी के चांसलर थे, ठीक है ना? अभी वर्तमान समय वर्तमान में हो जाएगा लाभ सोल्स को जीता है, ऐसी कुछ पूछ रहा हूँ। ओलाफ सोल्ज। हाँ ओलाफ सोल्ज, यही नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो भारत सरकार द्वारा यूपीएससी ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया है? दिनेश कुमार शर्मा। किसे? दिनेश कुमार शर्मा। भारत सरकार द्वारा यूएपीए ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया? दिनेश कुमार शर्मा। दिनेश कुमार शर्मा। डीके शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने एंटी ड्रग्स अभियान शुरू किया है? दिल्ली। को भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन मिला है जी? एरोस्पेस एस्टेरिया एरोस्पेस लिमिटेड। एस्टेरिया एरोस्पेस लिमिटेड किस कंपनी को भारत का पहला माइक्रो यानी कि कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन मिला है? एस्टेरिया एरोस्पेस लिमिटेड। तो हम जहां तहां से पूछते हैं बचपन तक था, तो आपको बोलना है जी कि किस भारतीय शहर को यानी कि बोलना है वर्ल्ड ग्रीन सिटी का अवार्ड 2022 जीता? हैदराबाद जीता। बोलना है कि नए लेखा महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? भारतीदास। कि नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? भारतीदास। सीजीए होता है, सीजीए एक सीएजी होता है, तो सीजीए एक सीएजी, सीएजी होता है जो इबला अभी कौन है मुर्मू है जी, हाँ ये है, और सीजीए है यानी कि सीजीए यानी कि नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया है? भारतीदास। यानी कि सीजीए कौन बने अभी? भारतीदास। और सीएजी कौन है अभी? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जी। बोलिए बोलिए सही बोले हैं। गिरिशचंद मुर्मू। कोई दिक्कत नहीं, अभी देखिए अभी तो दो तीन दिन हुआ, थोड़ा सा एकदम सही जा रहे थे, दो चार पाँच दिन दस दिन हो जाएगा ना, एक्सपीरियंस और बढ़ेगा, टेंशन नहीं लेना, अभी थोड़ा सा एजिटेशन भी होता है। तो बोलना है कि अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियन में भारत का पहला यानी कि ग्रीको रोमन पदक किसने जीता? साजन भानवाला। साजन भानवाला। उसके बाद बोलना है जी कि भारत सरकार द्वारा किसे नया रक्षा सचिव नामित किया है? अरमाने। उसके बाद बोलना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे किसे चुना गया है? खड़गे। उसके बाद हाल ही में भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन बना है? मोढ़ेरा गुजरात। मोढ़ेरा गुजरात। मोढ़ेरा गुजरात। उसके बाद बोलना है कि बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? सौरभ गांगुली। बंधन बैंक के सौरभ गांगुली। बंधन बैंक के सौरभ गांगुली दादा। उसके दादा। उसके बाद बोलना है कि हाल ही में किस पुरुष फुटबॉलर को वर्ष 2022 का वेलन डियोर पुरस्कार यानी कि मिला है? करीम बेंजेमा। किसे मिला है? करीम बेंजेमा को मिला है, करीम बेंजेमा को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा, भारत के नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एलिजाबेथ जोन्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है कि भारतीय मूल के व्यक्ति ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो ऋषि सुनक कौन बने हैं? ऋषि सुनक। कितना टाइम हुआ? टाइम हो गया सर। इतना टाइम हो गया टाइम जी। तो बस आज भर इतना ही रहने देते हैं, यदि कोई नया स्टूडेंट हो तो यानी कि ल्यूसेंट यूडिटेरिया 5000 प्लस और स्पीडी का यानी कि होमवर्क RSS टीचिंग सेंटर यानी कि टेलीग्राम में डाल दिया जाएगा, और होमवर्क में यानी कि ल्यूसेंट से अभी क्या चल रहा है ल्यूसेंट में
मध्यकालीन भारत और इसमें हम बायोलॉजी भी दिए हैं, ब्लड से संबंधित है ना, मानव रक्त दिए हैं। तो बस आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।